दूसरी बार दूल्हा बनेंगे भगवंत मान। जानिए कौन है भगवंत मान की दुल्हनिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बार फिर से दूल्हा बनने वाले हैं। अब वो दूसरी शादी कर रहे हैं। गुरुवार यानी कल उनकी दूसरी शादी चंडीगढ़ में होगी। भगवंत मान डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ दूसरी शादी कर रहे हैं। पंजाब के सीएम की शादी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शिरकत करने पहुंचेंगे। कौन है भगवंत मान की होने वाली दुल्हनिया। बताया जा रहा है कि भगवंत मान की होने वाली दुल्हनिया डॉक्टर गुरप्रीत कौर उनके परिवार के काफी करीबी हैं। पंजाब के सीएम मान और डॉक्टर गुरप्रीत कौर पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं और दोनों ने सहमति से ही शादी का फैसला किया है। आपको बता दें कि भगवंत मान का 6 साल पहले तलाक हो गया था। भगवंत मान की ये दूसरी शादी है। उनका 6 साल पहले ही तलाक हो गया था। उनकी पत्नी और बच्चे अमेरिका में रहते हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उनके दोनों बच्चे भी आए थे। बता दें कि सीएम भगवंत मान की मां की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा फिर से अपना घर बसाए और कहा जा रहा है कि मां की इच्छा पूरी करने के लिए मान ने फिर से शादी करने का फैसला किया। इस शादी में सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल होंगे। भगवंत मान डॉक्टर गुरप्रीत कौर से शादी कर रहे हैं और इसे एक छोटे से प्राइवेट समारोह में ही किया जाएगा। इस फंक्शन में सिर्फ परिवार वाले लोग ही शामिल होंगे और कुछ उनके जो राजनीति के करीबी लोग हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वर वधु को आशीर्वाद देने चंडीगढ़ जाएंगे। इस पूरी शादी समारोह की जिम्मेदारी, सब काम देखरेख, किस तरह से यह आयोजन किया जाएगा वो आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रभारी राघव चड्ढा को दी गई है। राघव चड्ढा ही शादी के तमाम इंतजाम कर रहे हैं। पंजाब के सीएम की कुर्सी पर काबिज होने से पहले भगवंत मान राज्य की संगरूर लोकसभा सीट से सांसद थे। वो साल 2014 और साल 2019 में लगातार 2 बार सांसद बने थे, लेकिन इस साल मार्च में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया और चुनाव लड़ा। राज्य में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद भगवंत मान को सीएम बनाया गया। 48 साल के मान पंजाब के 17वें सीएम हैं। 6 साल पहले उन्होंने अपनी पहली पत्नी से तलाक ले लिया था। भगवंत मान ने कहा था कि वो राजनीति की वजह से परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे, इसी वजह से उनके और उनकी पत्नी के बीच में अनबन हो गई थी और बात तलाक तक जा पहुंची थी। इतना ही नहीं, तलाक के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने पंजाब को अपने परिवार के ऊपर चुना, राजनीति के लिए वे अपनी पत्नी से अलग हो रहे हैं। पिछली बार राजनीति की वजह से वो अपनी पत्नी से अलग हुए थे, लेकिन इस बार वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ दूसरी शादी कर रहे हैं। इस शादी पर आपका क्या सोचना है कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।